नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं ये क्लियर कर दूंगा कि एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्नोलॉजी का कोर्स और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी का कोर्स में क्या डिफरेंस है आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ओटी में नर्स का क्या काम होता है और ओटी असिस्टेंट और ओटी टेक्नोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस होता है डिफरेंस समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ओ में अप्रोक्सीमेटली कितने लोग काम करते हैं और किसका क्या काम होता है किसी भी नॉर्मल रूटीन वाले ऑपरेशन में अमूमन तौर पे दो टीम काम करती हैं एनस्थीशिया टीम एंड सर्जरी टीम एनस्थीशिया टीम में एनस्थीशियोलॉजिस्ट होते हैं और एनेस्थीशिया टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं सर्जरी टीम में सबसे पहले तो आते हैं सर्जन सर्जन एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू केस दूसरी पोस्ट होती है स्क्रब नर्स की या फिर ओटी टेक्नोलॉजिस्ट की और तीसरी पोस्ट होती है सर्कुलेटरी नर्स की या फिर ओटी टेक्नोलॉजिस्ट की एनिस्टिशिया टीम और सर्जरी टीम से हटके फिर आते हैं हमारे पास ओटी असिस्टेंट जिनका काम होता है इन दोनों टीम के मेंबर्स की हेल्प करना और फिर आ जाते हैं हमारे हाउस कीपर्स दोस्तों ओ में हर किसी का काम बटावा होता है और मैं इस वीडियो में आपको सभी के काम का मोटा मोटा आइडिया दे दूंगा एनिस्थीशियोलॉजिस्ट एनेस्थीशिया का डॉक्टर होता है जो कि पेशेंट को बेहोश करने वाली दवाइयाँ देता है इंटूबेशन यानी कि सांस की नली डालता है नर्व ब्लॉक यानी कि शरीर का एक हिस्सा सुन करना या फिर कोई भी इन्वेसि प्रोसीजर करना इन शॉर्ट पेशेंट को जनरल एनेस्थीशिया देना स्पाइनल देना या फिर न, किसी भी टाइप का नर्व ब्लॉक लगाना टेक्नोलॉजिस्ट देने के लिए सारी तैयारी करता है लाइक एनेस्थिशिया मशीन रेडी करना जनरल एनेस्थिशिया की दवाइयां बनाना इंटूबेशन की ट्रॉली रेडी करना इन्वेंट्री देखना जिसमें कि ड्रग पेशेंट को जो लग गई हैं वो स्टॉक में रिप्लेस करना स्पाइनल एनस्थीशिया की तैयारी करना नर्व ब्लॉक्स की तैयारी करना, करनास्थीशिया टेक्नोलॉजिस्ट प्री ऑपरेटिव रूम में जाकर पेशेंट का कंसेंट और बाकी जरूरी चीजें लाइक सभी डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट चेक करना पेशेंट के वाइटल साइंस देखना पेशेंट को प्री ऑपरेटिव रूम से ओ तक ट्रांसफर करना ओ में मॉनिटर लगाना और फिर जब एनेस्थिशियोलॉजिस्ट पेशेंट को जनरल एनेस्थीशिया या स्पाइनल एनेस्थिशिया या किसी भी टाइप का नर्व ब्लॉक या फिर कोई भी प्रोसीजर करता है तो उसको उसके काम में असिस्ट करना सर्जरी होने के बाद पेशेंट को रिकवरी रूम में ट्रांसपोर्ट करना और ऑक्सीजन और मॉनिटर लगाना फिर अगले केस की तैयारी करना एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट को ओटी के अलावा आईसीयू में भी ड्यूटी दी जा सकती है एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट को हमेशा एनेस्थीसिया के डॉक्टर के साथ काम करना होता है और कुछ प्रोसीजर्स जिनमें बेहोशी की जरूरत होती है और वो एनेस्थिजोलॉजिस्ट करते हैं तो एनेस्थिजियोलॉजिस्ट के साथ पेशेंट को सेडेट करने के लिए जाना इन प्रोसीजर्स लाइक एंडोस्कोपी इलेक्ट्रोकनवलिव थेरेपी एनी इमरजेंसी इंटूबेशन या फिर पीएसी करना इस पोस्ट के बाद यदि हम बात करें सर्जन की सर्जन सर्जरी करते हैं अकॉर्डिंग टू केस एक या उससे ज्यादा सर्जन हो सकते हैं स्क्रब नर्स या फिर ओ टेक्नोलॉजिस्ट जो कि स्क्रब नर्स के रोल में है उसका काम होता है सर्जरी में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट को स्ट्राइल रखना और सर्जन को देना स्ट्राइल फील्ड क्रिएट करना इंस्ट्रूमेंट और गोच पैड्स की काउंटिंग रखना सूचर्स वगैरह रेडी करना और भी बहुत कुछ ओटी टेक्नोलॉजी का कोर्स 2013 के अराउंड इंडिया में शुरू हुआ था और ओ टी टेक्नोलॉजिस्ट को एनेस्थीशिया टेक्नोलॉजिस्ट के काम के साथ साथ स्क्रब नर्स का काम भी सिखाया जाता है सर्कुलेटरी नर्स या फिर ओ टी इनका काम ये होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स भरना सर्जरी के लिए कोई भी आइटम चाहिए वो अवेलेबल करवाना उस आइटम को स्ट्राइल टेक्निक से स्क्रब नर्स को देना सर्जरी में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स लाइक लेप्रोस्कोपिक ट्रॉली कॉटरी मशीन हारमोनिक स्कैल्पल वगैरह रेडी करना पेशेंट की पोजिशनिंग बनाना समझने वाली बात यह है दोस्तों कि एक दिन में मल्टीपल सर्जरी की जाती हैं और है और जो ये स्क्रब नर्स हैं और जो सर्कुलेटरी नर्स हैं ये अपने आप को स्विच करते रहते हैं ताकि दोनों बराबर का काम करें और कोई एक स्क्रब नर्स बनकर थक ना जाए एग्जाम्पल के लिए अगर फर्स्ट केस में एक्स ने स्क्रब नर्स का रोल किया और वाई ने सर्कुलेटरी नर्स का रोल किया तो अगले केस में वाई स्क्रब नर्स का रोल करेगा और एक्स सर्कुलेटरी नर्स का रोल करेगा ओटी असिस्टेंट वो होते हैं जो कि सभी की हेल्प करते हैं लाइक like वो एनेस्थिशिया टेक्नोलॉजिस्ट की हेल्प करते हैं और वो नर्स या ओटी टेक्नोलॉजिस्ट की हेल्प करते हैं पेशेंट की पोजीशनिंग बनाने में पेशेंट को ट्रांसफर करने में पार्ट प्रिपरेशन में किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट को डिसइंफेक्ट करने में और जो भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में हाउसकीपर की बात करें तो इनका काम बहुत ही जरूरी होता है ये लोग डस्टबिन वगैरह को मैनेज करते हैं ओटी फ्लोर वॉल्स को डिसइंफेक्ट करते हैं पेशेंट के बॉडी फ्लूइड्स और वेस्ट को क्लियर करते हैं डिपार्टमेंट को एकदम साफ रखते हैं अब आपने मोटा मोटा समझ लिया है कि ओटी में क्या क्या काम कौन कौन करते हैं ओटी असिस्टेंट या ओटी अटेंडेंट का काम ओटी टेक्नोलॉजिस्ट से अलग है ओटी असिस्टेंट बेसिकली ओटी टेक्नोलॉजिस्ट की हेल्प करते हैं एनस्थीशिया टेक्नोलॉजी कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स सिर्फ एनस्थीशिया टेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं वो आइडियली सर्जरी साइट का काम नहीं करते हैं वो स्टूडेंट्स जो कि एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्नोलॉजी का कोर्स करते हैं वो ओटी टेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं जिनको एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट का काम भी आता है स्क्रब नर्स का भी काम आता है सर्कुलेटरी नर्स का भी काम आता है हॉस्पिटल वाले ओ में जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो ओ टेक्नोलॉजिस्ट को वही काम दे देंगे नर्सिस का काम पुराने जमाने से सर्जन को असिस्ट करना रहा है चाहे वो स्क्रब नर्स का रोल हो या सर्कुलेटरी नर्स का लेकिन 2013 के अराउंड ओ टेक्नोलॉजी का जो कोर्स इंडिया में आया है अब धीरे धीरे क्वालिफाइड वेल ट्रेनड एनस्थीशिया एंड ओ टेक्नोलॉजिस्ट कॉलेजेस से निकल रहे हैं और वो धीरे धीरे नर्सेस को ओ से रिप्लेस कर रहे हैं मेन रीजन ये भी है कि नर्सेस की सैलरी ओटी टेक्नोलॉजिस्ट से अप्रोक्सीमेटली 40 परसेंट तक ज्यादा होती है और दोनों सेम काम करते हैं ओटी में तो हॉस्पिटल वाले कम सैलरी पर अच्छे ओटी टेक्नोलॉजिस्ट को नर्सेस से रिप्लेस कर रहे हैं दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर आप फेसबुक और इंस्टा पर मुझसे बात कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ओ टी टेक गाइड नाम सर्च कर लीजिएगा वहाँ पे आपको मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट मिलेगा आप मुझे वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद